आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आजमगढ़ को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी पहुंचेंगे आजमगढ़। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की आप देख पा रहे हैं, आजमगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम जानकारी इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं, आजमगढ़ को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख पा रहे हैं, पीएम मोदी मंदूरी एयरपोर्ट पर राजारा की पहुंचेंगे और ये बड़ी जानकारी, आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख पा रहे हैं, आजमगढ़ को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी मंदूरी एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण। यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे और इसी एयरपोर्ट का आज लोकार्पण होना है मंदूरी एयरपोर्ट का। ये बड़ी जानकारी, 34,500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश दौरा है। आजमगढ़ के दौरे पर आज रहेंगे पीएम मोदी और आजमगढ़ को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं, पीएम मोदी मंदूरी एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण और सुहेल देव यूनिवर्सिटी का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी, 34,500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। अहम जानकारी इस वक्त की देख पा रहे हैं आप, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख पा रहे हैं, पीएम मोदी मंदूरी एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण, सुहेल देव यूनिवर्सिटी का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आजमगढ़ से अतुल अग्रवाल मेरे सहयोगी सीधे जोड़ रहे हैं। अतुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है और क्या अपडेट है आपके पास? जी, जैसा कि आपको बताते हैं, कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ में लैंड कर जाएंगे। बनारस से चल करके आजमगढ़ आवेंगे और सबसे पहला कार्यक्रम उनका ये रहेगा कि एयरपोर्ट का उद्घाटन करना। एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं से वर्चुअली सुहेल देव यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन करने के बाद 34,500 करोड़ की योजनाओं का यहाँ से शिलान्यास करेंगे, जिसमें बहुत सी ऐतिहासिक चीजें रहेंगी। हालांकि आजमगढ़ को कई सालों से ये मांग की जा रही थी कि सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ को दी जाए और एयरपोर्ट दी जाए, लाख विरोध के बाद भी आखिर अंत में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर दिया जाएगा, आजमगढ़ की जनता को सौंप दिया जाएगा। अगर सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की गई है, समझाएं? सुरक्षा के चौक चौबंद है एकदम, कोई भी कहीं भी परिंदा पल नहीं मार सकता, चप्पे चप्पे पे फोर्स तैनात है और प्रधानमंत्री जी की एसपीजी स्वयं पहुंच चुकी है और हर जगह आप विजुअल में देख भी सकते हैं कि जगह जगह पे लगे हुए फोर्स हैं, एक एक कदम पे फोर्स लगी हुई है, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और अच्छी तरह से उद्घाटन किया जाएगा। और अगर बात किया जाए तो और कौन स्थानीय नेता पहुंच सकते हैं इस कार्यक्रम में? आपको बता दें कि लोकल में जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको पहुंच ही रहे हैं और तो सारे मंत्री आजमगढ़ में इस वक्त कैंप किए हुए हैं। जो भी संबंधित मंत्री हैं उनको सबको अब बुला लिया गया है और सबके साथ शिरकत करेंगे और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव का शंखनाद भी करेंगे आजमगढ़ से। चलिए अतुल, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।